बैक साथियों, अब फिर हम मौजूद हैं अपने गेस्ट कॉर्नर में। हमारे गेस्ट हैं मंजूर मेमन साहब, फॉर्मर एडवाइजर टू ह्यूस्टन मेयर फॉर साउथ एशियन अफेयर्स। और बहुत सारी बातें इनसे डिस्कस करनी है, टाइम जल्दी जल्दी जाता जा रहा है। तो आ जाते हैं हम कि इनकी जब अमेरिका गए तो कैसे गए, और वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ कैसे आप पर डाल दी गई, और क्या आपने किया वहाँ पर हमारे इमिग्रेंट्स के हवाले से, उन मसाइल को भी आप हैंडल करते रहे, आप वहाँ के मेयर्स के एडवाइज़र भी रहे साउथ एशियन अफेयर्स के हवाले से, तो ये सब कैसे हुआ? असल में शुरू का वक्त तो स्ट्रगल में गुजरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो फिर एक टाइम आया तो मैंने देखा कि पैसा बनाना तो अच्छी चीज़ है, मगर कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे कोई आदमी कोई इम्पैक्ट छोड़ जाए अपनी कम्युनिटी पे, अपने कौम के ऊपर। तो मेरी दोस्ती हुई एक साहब से, वो प्रोफेसर थे, डॉक्टर लीपी ब्राउन। तो वो इवेंचुअली उसमें क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, फिर वो ह्यूस्टन के मेयर बनने के लिए जब आए तो डे वन से मैंने उनकी कैंपेन को ज्वाइन किया। तो हम पहले 12 लोग थे जिन्होंने उसको वो किया। तो वो एक हिस्टोरिकल चीज़ ऐसे भी थी, जैसे ओबामा का देखें कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था, तो वो मेयर ली ब्राउन जो था वो फर्स्ट ब्लैक मेयर बना ह्यूस्टन का। तो बड़ा एक सिम्बॉलिक था। तो उसमें हम क्योंकि हमारी कितनी सिंपथीज माइनॉरिटीज के साथ थी, तो मैंने बड़ा भरपूर उसमें हिस्सा लिया। और वो जब इलेक्ट हो गए तो उनके साथ काम किया और बड़ा मज़ा आया। और वो लोग बहुत इज्जत भी बहुत करते हैं कम्युनिटी के अफेयर्स में। बड़ी हमने अपने कम्युनिटी को बहुत आगे ले गए। फर्स्ट टाइम हमारे कम्युनिटी को एक्सेस मिला वहाँ की गवर्नमेंट में अंदर आने का। और फिर एक टाइम आया तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके ऑफिस में उनको एडवाइज़र बनूँ। तो मैंने उनको फिर ये कहा कि मैं बनूँगा, मगर एक शर्त पे कि मुझे आप सैलरी नहीं मैं लूँगा, क्योंकि अगर मैं सैलरी लूँगा तो फिर मुझे अपना सारा टाइम हार्ट एंड सोल आपको देना पड़ेगा, और मैं अपने बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। तो आपको मिलिए मैं फ्री में। तो उन्होंने फिर कहा नहीं, फ्री में तो आप नहीं आ सकते। अच्छा ठीक है, आप $1 साल का लिया करें। अच्छा। और तो $1 अ ईयर के ऊपर पे उन्होंने मुझे फिर वो अपॉइंटमेंट दी। और बड़ी प्रेस्टिजियस थी, उन्होंने बहुत मुझे इज्जत दी। और ऑनर की बात थी, उससे ज्यादा मेरी ऑनर वो भी इज्जत इस वजह से भी थी कि उन्होंने देखा कि पैसे के वजह से नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे तो $70,000-$80,000 ईयर कोई बात नहीं होती थी जॉब पे। तो मैंने फिर उनके साथ उस $1 पे काम किया और बहुत मजा आया। लोगों के बहुत मसाइल ये हैं। अच्छा सुने, आपने तो इस हवाले से तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकातें हुई होंगी। अभी तो अमेरिकन सदर से भी मैंने, या जॉर्ज बुश से मिले, जॉर्ज बुश से, हिलरी क्लिंटन से मिले, कांग्रेसमैन और सेनेटरों की तो बहुत है, आप किताब में देखेंगे मोस्टली सारे लोगों के साथ, यहाँ तक कि कांग्रेस में जाके स्पीच की उनके सेनेटरों और कांग्रेसमैन के आगे, और थोड़े बहुत पाकिस्तान के लिए लॉबी भी की। अच्छा, अब वैसे प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की वहाँ पर? प्रॉब्लम तो इतने नहीं है। देखें, शुरू के ज़माने में एजुकेटेड क्लास आया अमेरिका में तो बड़ा अच्छा माहौल था। मोस्टली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग आते थे, वो बड़ी इज्जत होती थी। व्हाइट कॉलर जॉब्स में हम गए तो 3-3 जॉब ऑफर्स हमारे पास पेंडिंग में होती थी कि भाई इस जॉब पे हम हैं। तो वो लोग कॉल करके बोल देते थे कभी आपका जब मूड आ जाए तो आप हमें बस कॉल कर दीजिएगा। वो बड़े अच्छे जॉब्स मिलते थे। और वो ज़माना था कि जब अमेरिका में वियतनाम के वॉर की वजह से जो हमारा एज ग्रुप था वो, क्योंकि उनका वाइप आउट हो गया था, इतने लोग जो मरे थे, तो एक बड़ा वैक्यूम था। तो उस वैक्यूम की वजह से हमें जॉब्स बड़ी अच्छी मिली। अच्छा, अब जैसे आगे चलती गई, उनके अपने बच्चे पढ़ना लिखना शुरू हो गए, तो जॉब्स में थोड़ी सी नेचुरली कि एक जो लोकल बंदा है, लोकल कॉलेजेस से पढ़ के आया है, उसके कंपैरेटिवली एक बाहर का आता है, तो उनको प्रेफर करते थे। तो फिर भी अमेरिका बड़ा एक मेल्टिंग पॉट है, और वहाँ पे बड़े जॉब्स आए, किसी को भूख नहीं मरा, भूखा हुआ देखा नहीं। अच्छा। जॉब है, इंजीनियर है, अगर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिली तो असिस्टेंट इंजीनियर की मिल गई, या कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है, मगर वो फरावानी नहीं थी जो हमने देखी। अच्छा। तो उससे फिर क्या हुआ कि जॉब्स कम हो गई। फिर एक इन्फ्लक्स आया वहाँ पे अनएजुकेटेड क्लास का, उसके वजह से थोड़ा माहौल जो है वो ख़राब हुआ। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका सिर्फ सोच जो है पैसा कमाना है, फिर वो हर सही गलत तरीके से पैसे बनाने की जब कोशिश करते हैं, इस वजह से फिर बहुत स्कैंडल बने, बहुत लोग जेल में गए,
और एक कम्युनिटी को थोड़ा सा धचका लगा, हमारा इमेज भी जो है इमेज भी, और फिर 9/11 के वजह से भी थोड़ा इमेज हमारा वो हुआ, मगर ज्यादा इमेज हमारा वहाँ पे बैंक फ्रॉड्स में बहुत हुआ है कि हमारे लोग जो हैं बैंकों से बड़े लोन्स लेके ये वो डिफॉल्ट करके बैंकरप्सियां करके, तो इस वजह से अब वो मैं समझता हूँ कि हमारी जो इज्जत जो पहले थी, मैं समझता हूँ कि अगर हम 100 पे थे तो अब हम 50 पे हैं। अब हमें प्रूव करना पड़ता है वहाँ पे कि हम जो हैं शरीफ आदमी हैं, हम कोई चोरी करने वाले नहीं हैं, चोर चकार नहीं हैं, तो ये एक बड़ी वहाँ पे डिफरेंस आ गया है। अच्छा, क्या अब वहाँ पर जिंदगी हम लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल और तंग हो गई है बनिस्बत ये कि जिस दौर में आप गए थे? कंपैरेटिवली तंग इस वजह से हुई है कि खास करके तो हमारे लोगों ने उनके इमिग्रेशन लॉस को बहुत मिसयूज किया है। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि एक साहब से आए थे मेरे पास तो कि मुझे आप मेरा ये काम है करवा दें एक डायरेक्टर इमिग्रेशन के पास। तो मैं जब उनके पास गया तो वहाँ पे तो वो बड़े प्रिपेयर बैठे थे, उनके टेबल पे कोई 30 फाइलें पड़ी थी। उन्होंने मुझे दिखाई कि ये 30 लोग जो हैं इस एक ही पासपोर्ट पे अमेरिका में एंटर हुए हैं और ये मोहम्मद यूसुफ है 30 डिफरेंट पिक्चर्स के साथ। अच्छा। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं इस आदमी को उसके फेवर के लिए ले गया था। उसने कहा कि ये हुआ है, तो इससे बहुत वहाँ पे एक वो सिक्योरिटी कंसर्न भी हो गया कि 30 आदमी एक ही नाम से एक पासपोर्ट पे एंटर हो रहे हैं। अच्छा, कैसे होता है? मतलब वहाँ भी ये सारी चीजें चलती हैं? नहीं, यहाँ से होके आती है ना, यहाँ से होके आती है, तो वहाँ नहीं कर सकते? वहाँ से भी होती होंगी मगर मेरे ख्याल में यहाँ से ज्यादा हो रहे हैं। वहाँ पे भी अभी रिसेंटली एक पासपोर्ट का बड़ा स्कैंडल हुआ जिसमें काफी लोग जेल में गए, समझे? तो मत कर रहे हैं लोग, उनको चाहिए कि अपने मुल्क की इज्जत को पहले आगे रखें। पैसा जो है आने जाने वाली चीज़ है, मगर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और मुल्क की इज्जत को वो रखें और ऐसे गलत काम ना करें जिससे मुल्क का नाम। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं तो ही आप जो है वो समझें कि आपको सही तरह से बिहेव करना है, या आप एम्बेसडर हैं अपने मुल्क के। हर इंसान जो है जो यहाँ से जाता है, चाहे वो किसी तरह की भी जॉब करता है, वो एक एम्बेसडर होता है मुल्क का, वो बताता है सबको कि पाकिस्तान क्या है। एक एक इंसान की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो सकता है, मगर वो एक सेल्फिशनेस बहुत सोसाइटी में आ गई है कि लोग सिर्फ पैसे को खुदा मान के वो अपनी जो सारे जो एनर्जीज हैं वो उस पैसे कमाने में लगाते हैं और नहीं देखते हैं कि वो पैसे कमाना हम किस तरीके से कमा रहे हैं। क्योंकि पैसा आप कमा सकते हैं, वहाँ पे बड़े लीगल मीन्स हैं और अल्लाह का शुक्र है हमने इतना बिजनेस किया वहाँ पे, कभी भी अपने पूरे टाइम पे टैक्स दिया, हमने तो कभी इंटरेस्ट भी नहीं दिया वहाँ पे। अगर आप कोशिश करें कि इस्लामी निज़ाम को भी अगर आप अडॉप्ट रखना चाहते हैं, आप लोन ना लें, जितना आपके पास पैसा है उसको आप यूज़ करें, तो बड़ा अच्छा एक माहौल है, उस अच्छे माहौल को अच्छा रहने दें। अच्छा, साउथ एशियन अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आप हैंडल करते हैं? बेसिकली मैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इन सब कंट्रीज का एक रिप्रेजेंटेटिव था मेयर के पास। उसमें जैसे एक सार्क के हैं जैसे सार्क कंट्रीज हैं जी इसी तरह से? उनका एक जो उनके जो भी लोग थे उनके मसाइल को देखना था। अच्छा। और एक किस्म का मेयर और उनके दरमियान में एक ब्रिज था। और उसमें जैसे मैंने ह्यूस्टन में इंदिरा अपने गांधी जी का स्टेचू लगवाया, तो वो मेरे पास आए कि हम वहाँ पे एक पार्क है हरमन पार्क कहते हैं उसको, वहाँ पे मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के स्टेचूज लगे हैं। अच्छा। तो वो मेरे पास आए कि आप ये गांधी जी का स्टेचू लगवाएं, तो वो मैंने लगवाया। और फिर अब्दुल कलाम आज़ाद की बेटी को इंडिया से मैंने इनवाइट करके उसकी ओपनिंग कराई, तो एक किस्म की वो अचीवमेंट थी। और दूसरे जॉब्स वगैरह ये वो इश्यूज, कम्युनिटी इश्यूज, पुलिस के बड़े प्रॉब्लम थे वहाँ पे। अच्छा। जो उसको बड़ा हमने टच किया क्योंकि 9/11 के बाद एक बड़ा वो फियर था। हाँ। और इस पोजीशन में रहने पे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि ह्यूस्टन में हमने पाकिस्तानियों को बहुत प्रोटेक्ट रखा। अच्छा। कभी भी कोई भी आदमी किसी ने भी उनको तंग नहीं किया, बड़े अच्छे नमूने से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अच्छा। उस पोस्ट 9/11 पे बड़ा हमारा एक जो वो रहा कंट्रीब्यूशन रहा कि हमने लोगों को जो एक फियर था कि अभी बैक फ्लैश होगा, लोगों को मारेंगे, ये करेंगे, मैं हर मस्जिद पे मैं एक गार्ड भेजता था पुलिस का। अच्छा। कि मस्जिदों को प्रोटेक्ट करते थे, कोई भी फंक्शंस होते थे कम्युनिटी के, ईद होती थी तो उस पर फुली प्रोटेक्शन होती थी गवर्नमेंट के तरफ से, तो वो क्योंकि हम गवर्नमेंट में होते थे तो इस वजह से उसको करना बड़ा आसान होता था। तो छोटे छोटे चीज़ें की, मगर ये मगर उसके हट के बाहर एक जो काम मैंने किया वो मैंने पाकिस्तान का पहला कम्युनिटी सेंटर
जो पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी सेंटर कराता है, सारे यूएसए में पहला है। अच्छा। और सबसे बड़ा सेंटर है जो 40,000 स्क्वायर फुट पे मबनी है, जिसपे 1200 आदमियों के बैठने का बैंक्वेट हॉल है। अच्छा। उसके आगे उसमें अंदर लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, मस्जिद और उसके आगे 10 दुकानें हैं जिसके रेंट से वो सेंटर चलता है। तो एक सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट किया, वो सिर्फ 2 आदमी थे, हमने एक बस तय लिया कि इसको बनाना है। अच्छा। तो मैंने उसकी बिल्डिंग वगैरह और उसके की और मेरा जो प्रेसिडेंट था उसने फंड रेजिंग करके वो पैसा लाता गया और हमने उसको बना के उनको बना के फिर मैंने दिया और माशाल्लाह वो चल रहा है। अच्छा, आपकी यकीनन जो आसपास जो आपके साथी होंगे उनकी कॉपरेशन भी रही होगी, जो पाकिस्तानी वहाँ पे काफी अरसे से सेटल्ड हैं, वो भी मिलके सब करते थे या वहाँ की गवर्नमेंट ने ज्यादा आपको वो किया? अपने लोग ज्यादा लेग पुलिंग बहुत करते हैं, हाँ बैठते हैं मीटिंगों में खुद ही अपने साथी वो एक दिन मेरे प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि लग रहा है कि ये लोग ये सेंटर बनने नहीं देंगे। अच्छा। तो फिर मैंने उसको कहा कि नहीं ऐसे करते हैं, इन लोगों को आप बुलाया करें, खाना वाना खिला के भेज दिया करें। अच्छा। पर आप और हम बैठ के करेंगे। अच्छा। तो वो उन्होंने वो उनका ट्रस्ट था मेरे ऊपर और उनको पता था कि मैं ये डिलीवर कर दूंगा। अच्छा। और मैंने वो डिलीवर करके दिया और मोहम्मद मियां सुमरो हमारे जो चेयरमैन थे वो आए थे उसके इनॉग्रेशन करने के लिए। और वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये हुआ कि ह्यूस्टन के ह्यूस्टन क्रॉनिकल जो है वो समझो आप समझें कि ह्यूस्टन अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर है और उसकी जो अखबार है ह्यूस्टन क्रॉनिकल उसमें ऐसे न्यूज आपकी आनी बड़ी बात होती है। तो मैं उसके फ्रंट पेज पे 3 दफा एक्चुअली एक दफा पहले भी आया था मैं, मगर ओवरऑल मैं 4 दफा उसके फ्रंट पेज पे आ चुका हूँ, मगर इस सेंटर के हवाले से मैं उसके फ्रंट पेज पे 3 दफा आया। तो लोग बड़े परेशान होते थे कि तो मैं उनको सिर्फ ये कहता था भाई कुछ काम करो। तो ये मीडिया वाले जो हैं खुद ही आपको प्रोजेक्शन देंगे। अच्छा, अब वो चल रहा है सेंटर? सेंटर माशाल्लाह चल रहा और बड़ा सेल्फ सफिशिएंट जो सेंटर। अच्छा, और अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आपने टीम ऐसी डेवलप की है कि वो चलता ही रहे। हाँ, वो उसको क्योंकि देखें हर जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन्ड अगर रखा जाए समझे तो वो प्रोजेक्ट चलता है। अच्छा। क्योंकि मेनली जो प्रोजेक्ट फेल होता है वो फाइनेंस के वजह से होता है। अच्छा, अच्छा। तो अगर आपने उसको फाइनेंशियली सेफ कर दिया कि देखें हाल है, हाल में से 10,000 मिल रहे हैं आपको, आपके आगे से शॉप्स हैं उसमें से 10,000 मिल रहे हैं, 20,000 आपकी मतलब इनकम। वहाँ पे एक सिस्टम अगर डेवलप कर लिया जाए तो वो चलता रहता है। चलता रहेगा। या हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि एक शख्स के चले जाने से जो है वो बिगड़ जाए या नहीं, उसका सबब ये है ना कि हम तो पर्सनैलिटीज को बिलीव करते हैं ना, हम प्रोजेक्ट को नहीं देखते। अभी मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ पे देख के आया, कहीं पे मुझे ले गए मलीर के तरफ, उसमें उन्होंने क्या किया है कि 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, नीचे फ्लैट हैं, ऊपर उन्होंने कोई टावर है उसको 30,000 में रेंट किया हुआ है, पीछे दुकानें बनी हुई हैं। तो बता रहे थे कि हमें 1,00,000 रुपया इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए रेंट से मिलता है। वो कहते हैं हमने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। अच्छा। हाँ, और बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था और आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड कि मैंने पूछा खर्च कितना है, उन्होंने कहा हमारा खर्च 70,000-80,000 वो हमें इस पैसे मिल जाता है। इनिशियली उस आदमी ने कहा जिसने वो फाउंडर था कि मैंने अपने पैसे सारे उसमें लगा दिए कि एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। अच्छा। तो यही मैं यहाँ पे भी सब जो मेरे दोस्त सियासतदान वगैरह इनसे सब मिल रहा हूँ उनको कह रहा हूँ कि भाई एक प्रोजेक्ट अपने गाँव में, एक अगर प्रोविंशियल असेंबली का मेम्बर है, एक नेशनल असेम्बली का मेम्बर है, एक इंस्टीट्यूट बना दो समझो, एक किताब लिख दो समझो, अपने मेमोर्स पे अगर हर इंसान अपने बारे में, हर इंसान एक अल्लाह का एक खजाना है आप में, तो आप अगर वो अपने खजाने को शेयर करें दूसरों लोगों से तो बड़ी अच्छी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका ये सामने हमारे खजाना पड़ा, एक खजाने का एक मोती पड़ा हुआ है आपकी किताब जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और माशाल्लाह से आपकी मिसेज जो है हाईली डिग्निफाइड और उनको ये एक टैलेंट, आई डोंट नो इट्स गॉड गिफ्टेड या उन्होंने स्किल एक डेवलप किया है कि जो फेस रीडिंग और फोटो एनालिस्ट हैं तो वो क्या काम होता है, कैसे करती हैं? तो आपको भी जो है वो जब आपसे मुलाकात हुई थी तो पहले फेस रीडिंग हुई थी, क्या हुआ था कैसे हुआ सारी बातें हम करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, आपके बच्चों के बारे में भी जानना है हमें, तो ये पर्सनल बातें चंद आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेकिंग छोटी सी ब्रेक के बाद।